बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम राशिदा परवीन एंड आई एम गोइंग टू टीच यू एनवायरमेंटल केमिस्ट्री टू बीएस केमिस्ट्री थर्ड। एंड टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक्स कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्ट्रेशन, वाटर बेस्ड पेंट्स, एंड अवर लेक्चर इज लेक्चर नंबर 1। ओके क्लास, आज जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्ट्रेशन के बारे में, कि कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्ट्रेशन क्या होती है। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस जो हैं वो मर्ज होती हैं। अब उन गैसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। अब इन गैसेस में से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा हो गई है तो उसको कैप्चर करके वहाँ से उसको स्टोर कर लिया जाता है। इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्ट्रेशन। अब हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्ट्रेशन क्या होती है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखते हैं। व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्ट्रेशन? इसे कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्ट्रेशन या कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन भी कहा जाता है। कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ कैप्चरिंग, जिसमें कैप्चर कर लिया जाता है, जिसमें एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, किसको? प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड को। प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया जाता है एंड सब्सिक्वेंटली स्टोरिंग इट सेफली, और फिर उसके बाद उस कार्बन डाइऑक्साइड को सेफली स्टोर भी कर लिया जाता है अवे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से, ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कैप्चर करके उसको सेफली स्टोर कर लिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। इट इज़ अ मेथड, ये एक ऐसा मेथड है जो कि रिड्यूस करता है, दैट रिड्यूस किस चीज़ को रिड्यूस करता है? द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को, उसके तनासुब को कम कर देता है इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर। यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन किसी वजह से या किसी वजूहत की बिना पे एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा हो गई है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को वहाँ से कैप्चर करके उसको स्टोर कर लिया जाएगा, और फिर जिस पर्पस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को हमने यूटिलाइज करना है फिर उसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा। एमिंग एट रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, इसका एम क्या है, इसका मकसद क्या है? रिड्यूस करती है ग्लोबल वार्मिंग को। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस, कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, और वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करती है, ठीक। अब उन गैसेस में से कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से कैप्चर करके उसको स्टोर कर लिया जाएगा और उसकी कंसंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में से रिड्यूस कर दिया जाएगा। और क्लाइमेट चेंज करना, ये भी सारे दोनों क्या हैं, इनके एम्स में इंक्लूड हैं। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्ट्रेशन। हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्ट्रेशन वर्क? कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन किस तरह से वर्क करती है? इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन यूज। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन जो है वो करना चाहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ जियो इंजीनियरिंग प्रोसेस, ये एक जमीनी इंजीनियरिंग का प्रोसेस है, जियो इंजीनियरिंग प्रोसेस है, वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज फर्स्टली सेपरेटेड, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले सेपरेट कर लिया जाता है फ्रॉम अदर गैसेस, दूसरी गैसेस से। अब एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी गैसेस प्रेजेंट हैं लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितनी भी गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हैं, इन सब में से कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, उसको सेपरेट कर लिया जाएगा। इट कंटेन इन द इंडस्ट्रियल एमिशन से जितनी भी गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर जाती हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट कर लिया जाता है। इट इज़ देन कंप्रेस्ड, फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस कर दिया जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड, और इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टू अ लोकेशन, एक ऐसी जगह पे वेयर इट इज सेफली आइसोलेटेड, जहाँ पे इसको एक महफूज तरीके से स्टोर कर लिया जाएगा, उसको सेपरेट कर लिया जाएगा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कहाँ से? एटमॉस्फेयर से, फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ताकि उससे लॉन्ग टर्म स्टोरेज यानी कि लॉन्ग टर्म उसे बेनिफिट गेन किए जा सके फ्यूचर में। द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैप्चर, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया जाएगा एंड ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी स्टोर, इसको स्टोर भी किया जा सकता है।
इट कैन ऑल्सो बी स्टोर इन अदर सुइटेबल लोकेशन, इसको किसी भी सुइटेबल लोकेशन के ऊपर जहाँ पे जो भी आपके लिए सुइटेबल हो उन्हीं लोकेशन पे इसको स्टोर कर सकते हैं। एज जियोलॉजिकल फॉर्मेशन लाइक डीप सेलाइन फॉर्मेशन, डीप सेलाइन फॉर्मेशन भी इसकी स्टोरेज के फॉर्म है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑल्सो भी स्टोर, कार्बन डाइऑक्साइड को आप स्टोर भी कर सकते हैं इन डीप ऑयल्स, डिप्लीटेड ऑयल्स के अंदर या फिर गैस रिजर्वायर्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जा सकता है। और द डीप ओशियंस के अंदर भी जो समंदरों की गहराई होती है वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज, कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज कौन कौन से हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट होके एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है वो किन किन सोर्सेज से जाती है। इसके दो सोर्सेज हैं, एक मैनकाइंड या आर्टिफिशियल और दूसरे जो है वो नेचुरल सोर्सेज हैं। तो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है मैन मेड सोर्सेज। अब मैन मेड सोर्सेज कौन से होते हैं, मैन मेड सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि नेचर ने नहीं बनाए होते, खुद इंसानों ने ये सोर्सेज क्रिएट किए, खुद इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है, इसके अंदर नेचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर वन है, नंबर वन सोर्स कौन सा है, इंडस्ट्रीज। नंबर टू है ट्रांसपोर्टेशन। नंबर थ्री है लैंड यूज चेंज। नंबर फोर है सॉइल कल्टीवेशन। नंबर फाइव है बायोमास बर्निंग। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं वो कौन कौन से हैं, वोल्केनोज। वोल्केनोज कहते हैं आतिश फिशा को, आतिश फिशा से जो लावा निकलता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। वाइल्ड लाइफ फायर्स, जो वाइल्ड लाइफ होती है लाइक जंगलात में जो आग लग जाती है उस आग की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन के नतीजे में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के नतीजे में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। लाइक हम ह्यूमन बींग जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो हम एक्सहेलिंग के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, तो रेस्पिरेशन के नतीजे में भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होकर एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्ट्रेशन के जो वेज हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किन किन वेज के जरिए से स्टोर की जा सकती है एटमॉस्फेयर के अंदर से कैप्चर की जा सकती है, उसके अब वेज बताए गए हैं। नंबर वन है जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन। जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन जो है ये अंडरग्राउंड सिक्वेस्ट्रेशन होती है। इसमें जमीन में गड़े, जमीन के अंदर गहराई में जो है ना वो गड़े खोद दिए जाते हैं और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सेफली वहां पे रख लिया जाएगा। ओशियन सेक्वेस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, ओशियन के अंदर, डीप ओशियन के अंदर जो प्लांकटन्स होते हैं, जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर लेते हैं, इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल सेक्वेस्ट्रेशन। टेरेस्ट्रियल सेक्वेस्ट्रेशन कैसे होती है, प्लांट के जो प्लांट प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर वो क्या करते हैं, वो एयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेते हैं। जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कैप्चरिंग होगी और एयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक बैलेंस तनासुब में वो प्रेजेंट रहेगी। तो ये तीन इसके वेज हैं, नंबर वन जियोलॉजिकल सेक्वेस्ट्रेशन, नंबर टू है ओशन सेक्वेस्ट्रेशन, नंबर थ्री है टेरेस्ट्रियल सेक्वेस्ट्रेशन। अब हमने डिस्कस करना है वन बाय वन इन सेक्वेस्ट्रेशन के वेज को। जियोलॉजिकल सेक्वेस्ट्रेशन, जियोलॉजिकल सेक्वेस्ट्रेशन क्या होती है, इट इज अ सेक्वेस्ट्रेशन मेथड। ये एक ऐसा मेथड है ऑफ सिक्योरिंग कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्योर कर लिया जाता है इन डीप जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। जो डीप जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होती हैं यानी कि जमीन के अंदर जो गड्ढे खोद लिए जाते हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्योर कर दिया जाता है टू प्रिवेंट इट्स लॉस, ताकि इसके लॉस को बचाया जा सके। अब वो क्या है,
रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, ताकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये दोबारा से जमीन में से एटमॉस्फेयर के अंदर ना चली जाए। और जब ये जमीन में से दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हो जाएगी। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेन कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग का, और फिर से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पैदा हो जाएगी। एंड कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल वार्मिंग, और ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करेगा एज अ ग्रीन हाउस गैस, और ग्रीन हाउस गैस के तौर पे वर्क करेगा। दस दिस प्रोसेस रिड्यूस और एलिमिनेट, ये प्रोसेस जो है वो कम कर देता है या बिल्कुल खत्म कर देता है द मिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के अमिशन को इन टू द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को, उसकी अमिशन को ये जो प्रोसेस है ये कम कर देता है। यहाँ पे देखे डायग्राम में आपको शो किया गया है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की कैप्चरिंग होगी, फिर उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी किसी भी लोकेशन पे जहाँ पे आपने इसको आइसोलेट करना है, उसके बाद इंजेक्शन के जरिए से आप इसको सेपरेट कर लेंगे, फिर टैंकर शिपिंग है। ये देखें सारे जो है इसके वेज है जहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट कर सकते हैं। ये एमिशन के सोर्सेज हैं कि किन किन सोर्सेज से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होके एटमोसफेयर के अंदर चली जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के रेजरवायर्स हैं जमीन के अंदर, जियोलॉजिकल सेक्वेस्ट्रेशन यहाँ पे की जाती है, जमीन के अंदर गड्ढे खोद दिए जाते हैं और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लिया जाता है। ये पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है, अब वो जो स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आप इस पाइपलाइन के जरिए से कहीं पे भी आपको जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे इन शिप्स को, इन ये जो प्लांट्स दिखाए हुए हैं, इन प्लांट्स को रन करवाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है ओशन सेक्वेस्ट्रेशन। ओशन सेक्वेस्ट्रेशन क्या होती है, अब हमने ओशन सेक्वेस्ट्रेशन को डिस्कस करना है। इन द ओशियन, समंदरों में कार्बन डाइऑक्साइड की जो सिक्वेस्ट्रेशन की जाती है, इट इज अ फैंसी वर्ड, ये एक मॉडर्न वर्ड है, फॉर द प्रोसेस, प्रोसेस के लिए बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जिस प्रोसेस के तहत कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के अंदर से रिमूव कर दिया जाता है। एंड इज अचीव थ्रू वेरियस केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, और ये किन के जरिए से किया जाता है, ये केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के जरिए से किया जाता है, या तो कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं या फिर यहाँ पे बायोलॉजिकल स्पीशीज यानी कि लिविंग स्पीशीज को यूटिलाइज किया जाता है, और वो क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेती है। प्लांकटन एट द ओशियन सर्वस, अब जो प्लांकटन यानी कि बायोलॉजिकल स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं ओशियन की सर्फस के ऊपर, दे यूज फोटोसेंथेसिस, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करती हैं फोटोसेंथेसिस के लिए टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देती हैं इनटू द शुगर, शुगर्स के अंदर। इन द सेम वे ट्रीज एंड लैंड्स ऑन द ट्रीज एंड लैंड प्लांट्स डू ऑन द लैंड, लैंड के जो प्लांट्स हैं और ट्रीज हैं, जितने भी ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस के जरिए से खुराक बनाते हैं, और उसके जरिए से वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और फूड को प्रिपेयर करते हैं, दैट इज बीइंग स्टोर इन द लीव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पे ओशन की जो सिक्वेस्ट्रेशन है, ओशन सिक्वेस्ट्रेशन आपको शो की गई है, ये फॉसिल फ्यूल एमिशंस हैं जिनकी बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे फाइटोप्लांकटन्स हैं समंदर की तह के अंदर, समंदर के गहराई के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ये यूटिलाइज कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेडिमेंटेशन के जरिए से चली जाती है ऑयल, कोल, नेचुरल गैस के अंदर, और उसको फिर फर्दर यूटिलाइज कर लिया जाता है। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्ट्रेशन या टेरेस्ट्रियल कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन। अब टेरेस्ट्रियल कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के नतीजे में प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है, और जब यही पौधे सूरज की रोशनी में इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए से इस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं खुराक के अंदर, खुराक बना देते हैं।
ग्लूकोज लाइक यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को जनरेट करते हैं और उसके साथ साथ ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर देते हैं। तो टेरेस्ट्रियल कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द ट्रीज ट्रीज एंड प्लांट्स के जरिए। और ये प्रोसेस कौन सा होता है जिसके जरिए से वो इसको कैप्चर करते हैं? वो एटमॉस्फेयर का प्रोसेस होता है, सॉरी फोटोसिंथेसिस का वो प्रोसेस होता है एंड स्टोर्ड एज कार्बन। और कार्बन की फॉर्म में ये स्टोर हो जाती है सॉइल के अंदर और बायोमास के अंदर, ये स्टोर हो जाती है कार्बन की फॉर्म में। ये पूरा जो है ये चार्ट दिखाया हुआ है टेरेस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ कार्बन फ्लो, कार्बन फ्लो का जो है यहाँ पे एक पूरा का पूरा चार्ट दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है वाटर बेस्ड पेंट्स। वाटर बेस्ड पेंट्स क्या होते हैं? वाटर बेस्ड पेंट्स कंटेन माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक पार्टिकल्स। वाटर बेस्ड पेंट्स ऐसे पेंट्स होते हैं जिनके अंदर प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं और उनका साइज कितना होता है? माइक्रो साइज होता है उनका, माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं वो, माइक्रो यानी कि 10^-6 मीटर के वो होते हैं, उनका बहुत ही ज्यादा कम साइज होता है, बहुत ही माइनर साइज होता है। अब ये एक्ट करते हैं बाइंडर के तौर पे, फिलर के तौर पे और पिगमेंट के तौर पे, ठीक है, इन तीन चीजों के तौर पे एक्ट करते हैं। और वो कैसे एक्ट करते हैं? इनको डिसॉल्व कर दिया जाता है वाटर के अंदर। वाटर बेस्ड पेंट कंटेन माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक पार्टिकल ऑफ बाइंडर फिलर एंड पिगमेंट्स। बाइंडर फिलर और पिगमेंट्स के प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक साइज के, जो कि डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर। वाटर बेस्ड पेंट्स आर वाटर सोलूबल। वाटर बेस्ड पेंट जो है ये वाटर सोलूबल होते हैं, वाटर के अंदर ये सोलूबल होते हैं, बट बिकम वाटर रेजिस्टेंट, लेकिन ये वाटर रिपेलेंट हो जाते हैं, वाटर के अंदर इनकी सोलुबिलिटी नहीं रहती। कब? जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। इस तरह के पेंट्स जब ड्राई हो जाते हैं तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये प्लास्टिक के पार्टिकल वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वाटर बेस्ड पेंट्स। वाटर बेस्ड पेंट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं? इसकी दो टाइप्स हैं मेन। नंबर वन है एक्राइलिक पेंट, नंबर टू है लेटेक्स पेंट। एक्राइलिक पेंट कौन सा पेंट होता है? एक्राइलिक पेंट ऐसा पेंट होता है दैट इज लेबल्ड एक्राइलिक, जिसको लेबल किया होता है एक्राइलिक से, हैज मोर एक्राइलिक पॉलीमर्स, और इसके पास जो एक्राइलिक के पॉलीमर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं देन लेटेक्स पेंट, लेटेक्स पेंट की निस्बत। अब जो लेटेक्स पेंट होता है और एक्राइलिक पेंट होता है, दोनों के अंदर एक डिफरेंस होता है कि लेटेक्स पेंट के अंदर एक्राइलिक पॉलीमर जो है, एक्राइलिक पार्टिकल्स जो हैं वो कम होते हैं, लेकिन जो एक्राइलिक पेंट होता है उसके अंदर एक्राइलिक पॉलीमर्स बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से एक्राइलिक पेंट टिपिकली कॉस्ट मोर, इसकी वजह से, अब इन पॉलीमर्स की वजह से, क्योंकि इन पॉलीमर्स की ज़्यादा कंसनट्रेशन एक्राइलिक पेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से एक्राइलिक पेंट जो है उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है एंड प्रोवाइड बेटर अडहेशन। और इसके ये जो पेंट होता है इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बहुत अच्छा अडहेशन के तौर पे काम करता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है और रेजिलियंस भी होता है। द एक्स्ट्रा कॉस्ट इज नॉट वर्थ, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो बैटर नहीं करती फॉर इंटीरियर ड्राई वॉल। जो वॉल होती है, वॉल अंदर वाली साइड जब हम पेंट करते हैं, अगर एक्राइलिक पेंट से उसको पेंट करें तो ये ज़्यादा कॉस्ट नहीं करेगी, इसकी कॉस्ट जो है वो मैटर नहीं करेगी। बट फॉर किचन कैबिनेट्स, लेकिन जब किचन कैबिनेट्स के लिए हम इसको यूज करते हैं आउटडोर फर्नीचर, इट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क करता है। सम मैन्युफैक्चरर, कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो कि यूज करते हैं इनेमल के वर्ड को इन द पेंट डेस्क्रिप्शन, पेंट डेस्क्रिप्शन के अंदर इनेमल के वर्ड को यूज करते हैं। इनेमल के वर्ड को यूज किया जाता है एक्राइलिक पेंट के अंदर, यानी कि बाजार के अंदर जितने भी पेंट्स अवेलेबल होंगे इनेमल के वर्ड से, ठीक है, उनके जो बॉटल्स के ऊपर, उनके जो बॉक्सेस के ऊपर अगर इनेमल लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि वो एक्राइलिक पेंट है, ठीक है, उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और उनकी प्रॉपर्टीज भी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम करते हैं। टू डिस्क्राइब एक्राइलिक पेंट, एक्राइलिक पेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट लेटेक्स पेंट। लेटेक्स पेंट क्या होता है? टू सेव कॉस्ट, कॉस्ट को बचाने के लिए लेटेक्स पेंट कंटेन्स अ लोअर रेशो ऑफ एक्राइलिक पॉलीमर्स। लेटेक्स पेंट के अंदर जो एक्राइलिक पॉलीमर्स हैं इनकी कंसनट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है। दिस टाइप ऑफ पेंट, इस तरह के जो पेंट होते हैं
परफेक्ट, ये परफेक्ट होते हैं फॉर अ वर्टिकल सरफेस, एक वर्टिकल सरफेस के लिए, लाइक योर वॉल्स, जैसे कि आपके घरों की दीवारें हैं, बट वुड नॉट वेयर वेरी वेल, लेकिन ये अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे ऑन अ पीस ऑफ आउटडोर फर्नीचर, जो फर्नीचर है उसके उसके ऊपर पेंट करने के लिए भी ये वाले जो पेंट होते हैं लेटेक्स पेंट, ये अच्छी तरह से वर्क नहीं करते। अगर आपको घर के बाहर वाली साइड की दीवारों को पेंट करना है तो उसके लिए लेटेक्स पेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये अच्छी तरह से वर्क करते हैं और ज़्यादा एरिया को ये कवर करते हैं। प्रोफेशनल एंड डायर्स, जितने भी पेंटर्स होते हैं वो लव करते हैं इस तरह के पेंट को, बिकॉज इट प्रोवाइड ग्रेटर कवरेज, क्योंकि ये ग्रेटर कवरेज प्रोवाइड करती है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को आप कवर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को पेंट कर सकते हैं लेस कॉस्ट के अंदर। देन एक्राइलिक पेंट, एक्राइलिक पेंट की निस्बत इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये कम एक्सपेंसिव होता है एंड मोर इको फ्रेंडली, और ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होता है, इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ओके क्लास, आज का जो हमारा लेक्चर था, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।